अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन, डायरेक्शन मेकर की जानिब से अपने इस अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीख रहे थे SEO के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी मेटा टैग के हवाले से, इसके बारे में जाना था। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पोस्ट टाइटल्स, परमालिंक्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से, कि पोस्ट टाइटल्स क्या होते हैं, परमालिंक्स क्या होते हैं और पोस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है। यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका ये होम पेज है। आपको मैं यहाँ एक बात बताऊँ कि जो सर्च इंजन्स के रोबोट्स होते हैं, आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस होते हैं, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, तो इनको अलग अलग वेबसाइट कंसिडर करता है और या एक अलग पेज कंसिडर करता है, जिसको वो अलग से इंडेक्स करता है। हर पेज को अलग से इंडेक्स किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि ये होम पेज है, इसको इंडेक्स किया है सर्च इंजन्स के रोबोट्स ने, और इनको अलग अलग इन्होंने इंडेक्स किया हुआ है। और यहाँ पे मैं अब बात करूँगा पोस्ट टाइटल्स के हवाले से। पोस्ट टाइटल्स ये होते हैं कि आपका जो वेबसाइट पर पोस्ट है उसका टाइटल, जैसा कि यहाँ पे एक पोस्ट है, इसका टाइटल ये दिया गया है, और हर एक पोस्ट का अलग और यूनिक टाइटल होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले कोर्सेज में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि टोटल कितने वर्ड्स होने चाहिए आपके टाइटल में, और यहाँ पे इसकी एक अलग से डिस्क्रिप्शन दी गई है, यानी कि हर पोस्ट की डिस्क्रिप्शन भी अलग होगी। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हर एक पोस्ट की जो है वो अलग से डिस्क्रिप्शन दी गई है। अब हम बात करेंगे परमालिंक्स के हवाले से। परमालिंक्स क्या होते हैं? परमालिंक्स ये जो आपको ऊपर दी गई है लिंक, अलग यूनिक लिंक नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं परमालिंक्स। यानी कि हर पोस्ट का जो लिंक होगा वो अलग होगा और डिफरेंट होगा, जिसको हम खुद सेट कर सकते हैं, जिसके लिहाज से जो गूगल के जो सर्च इंजन्स के रोबोट्स हैं वो उनको इसी बेस पे इंडेक्स करते हैं हर पेज को अलग से। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, इसका अलग URL है और इसका अलग URL है, हर एक पोस्ट का अलग URL होगा। और अब जो डिस्क्रिप्शन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है कि हर एक पोस्ट की अलग डिस्क्रिप्शन होगी। मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आप कैसे पोस्ट टाइटल्स लिख सकते हैं, परमालिंक्स कैसे सेट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।